अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू मामा जैद चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलें, आज आपके लिए बहुत अच्छी सिंपल सी सैलड रेसिपी बन रही है। गर्मियों की आमद आमद है तो रिफ्रेशिंग, कभी आपका दिल चाहता है कि हल्की सी लाइट सी गज़ा खाएं। रमज़ान भी है, पता नहीं रमज़ान ये वीडियो पे लग जा चुके होंगे या आ रहे होंगे क्योंकि मैं प्री रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो चले रेसिपी स्टार्ट करते हैं ना। चले, आपने क्या करना है, आपने वो वेजिटेबल्स ले लेने जो आपके पास घर में मौजूद हैं। आजकल सीजन भी है मूली का, तो मैंने इतनी सारी नहीं डालूंगी, थोड़ी सी डालूंगी। मूली ली है, गाजर ली है, एक मैंने सेब लिया है और यहाँ पे चुकंदर लिया है। चुकंदर आपको पता है कि सुपर फूड है, वो लिया है मैंने। और ये बीट्स हैं, रेड बीट्स हैं, वो लिए हैं। थोड़ी सी ब्रोकली ली है, थोड़े से टमाटर लिए हैं और लेटस है, बादाम है और काजू है, ऑप्शनल है अगर आपने डालना हो, थोड़ा सा लेमन जाएगा। और यहाँ पे इमली को मैंने एक टेबल स्पून लेके गर्म पानी में सोक कर दिया था ताकि इसका ये मेल्ट हो जाए अच्छी तरह से। तो चलें अब हम इनको जूलियन, कोशिश करेंगे कि लंबाई लंबाई में काटें ताकि ये खूबसूरत नजर आए। तो चलें हम कटिंग शुरू करते हैं अपनी। तो स्टार्टिंग में मैंने इसे गाजर कह दिया, लेकिन गाजरें मैं ढूंढ रही थी तो बेबी कैरेट्स वगैरह मेरे पास कुछ नहीं थी, तो मैंने फिर इसको आपको गाजर कह दिया। लेकिन आप कैरेट्स भी इसमें डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं थी तो मैं नहीं यूज कर रही हूँ। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो मैंने क्या करना है, मैंने सबसे पहले इनको इस तरह से लेके और इसको बारीक बारीक जूलियन कटिंग, बारीक तो नहीं अप्रॉक्सीमेटली आप ऐसे कर लें, कोई इतना भी नहीं है कि सैलेड ही बन रहा है, कि बस वो कटिंग आपको सेम लगे। तो क्यूकम्बर हमने काट लिए, अब हमने काटना है अपना सेब, एप्पल। एप्पल भी आपको पता है आजकल सीजन में है तो उनको डालें। एक एप्पल जो दिन में खाता है वो डॉक्टर के पास नहीं जाता, तो इसको भी मैं जूलियन कटिंग में कर लूंगी। तो ये जब आप बारीक बारीक स्लाइसेस कर लें, इनके ऊपर रखें और इनको इस तरह से, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा तो आपने नहीं रखना कि आप मुंह में कैसे डालेंगे सैलेड को, तो इस तरह आप करते जाएं सारे। तो सैलेड का मतलब ही ये होता है कि डिफरेंट कलर की आपको सब्जियां खाने को मिले। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि इन्हीं के साइज की ये जूलियन कटिंग कर लूँ। तो इसको भी मैंने अप्रोक्सीमेटली इनके साइज का काट लिया है। मूली को तो मैंने क्यूकम्बर कर लिया है, सेब कर लिया है, और अब मैं मूली के इस तरह स्लाइसेस काट के, और मूली के आपको पता है कि बहुत ज्यादा फायदे हैं। हर सीजनल फ्रूट आप खाया करें, मुझे पता है आपको भी पता है कि इसके बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। तो कोशिश करें इसके स्मेल पे ना जाएं, लेकिन कोशिश करें कि हर खाने को यूज करें जो सीजन में आएगा। तो आप देखें कि जैसे कि कहते हैं कि स्मेल आती है, स्मेल तो जिंजर गार्लिक में से भी बहुत आती है, लेकिन देखें उनके फायदे कितने हैं। तो इसी तरह हर वेजिटेबल का अपना एक फायदा है, अपना एक वो है। तो यहाँ पे मेरे पास रेड बीट्स हैं, मेरे पास आप कोई सा भी ले लें, शलजम है शलजम ले लें, शलजम को भी कच्चा खाया जा सकता है। तो इसको भी मैं इसी तरह जूलियन स्लाइसेस करूंगी। अब मैंने थोड़ी सी ब्रोकली ली है, तो अप्रोक्सीमेटली मैं इनको हाफ हाफ कप, एक एक कप ले रही हूँ। तो आपको जो ज्यादा पसंद है वो ज्यादा ले लें, जो कम पसंद है उसे कम कर लें। इसको भी इसी तरह आप चॉप कर लें लंबा लंबा तरीके से। और आपको पता है ब्रोकली जो है वो भी सुपर फूड है, तो इसको भी अपने खानों में लाजमी शामिल करें। और ये बेस्ट फूड है डाइट के लिए ब्रोकली जो है। ये जो है मैं सब वेजिटेबल्स जो है मैं इसमें एक बोल में डाल रही हूँ ताकि और कटिंग कर सकूं। तो आप देखें कि ऑलरेडी कितने खूबसूरत कलर लग रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, नेक्स्ट हम करेंगे, मेरे पास यहाँ पे है चुकंदर जिसे रेड बीट कहते हैं, इसको भी हम छील लेंगे। आप छील लें उसके साथ पीलर के साथ या वैसे ही, और छीलने के बाद इसको भी आप जूलियन कटिंग में करें। क्या करें कि जब ये चुकंदर काटें, अगर आपने कहीं जाना है या कोई काम करना है तो ग्लव्स लास्ट में, पहले मैं भूल गई पहनना, तो चले कोई बात नहीं क्योंकि इसका कलर उतरता है। और ये भी आपको पता होना चाहिए, इसकी अपनी एक स्मेल होती है चुकंदर की, जो बहुत से लोगों को पसंद नहीं है, लेकिन ये भी सुपर फूड में आता है। इसकी आप स्मूदीज बनाएं, जूस बनाएं और उनको यूज करें अपने खाने में। इसको भी मैं जूलियन कटिंग कर लूंगी। मैंने थोड़े से चेरी टमाटर्स लिए हैं, आप रेगुलर टमाटर यूज कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास ये अवेलेबल थे तो मैंने ये यूज कर लिए। इनको बस मैं दो दो स्लाइसेस ऐसे कर दूंगी। तो चलें जी, फाइनल कटिंग जो हो गई है हमारी, अब इसमें मैं चुकंदर डाल रही हूँ। आप देखेंगे प्लेटर ऑलरेडी, जो बोल है कितना खूबसूरत लग रहा है, कलरफुल सा, तो रिफ्रेशिंग लग रहा है। ये टमाटर जा रहे हैं इसमें। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे मेरे पास है आधा लीमू, उसका जूस डालेंगे इस पर। और आपको बताया कि लेमन जो है वैसे भी रिफ्रेशिंग है, और इसमें जो ये हमने एप्पल और इस तरह की चीज़ें डाली, ये काली नहीं होंगी।
ऑक्सीडाइड नहीं होंगी। साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून जो है चाट मसाला। चाट मसाले के बगैर मज़ेदार कैसे बनेगा। और यहाँ पे जो मैंने इमली को घोल के रखा हुआ था उसको हिला के अच्छी तरह से उसका जूस भी इसमें शामिल करेंगे। तकरीबन 2 टेबलस्पून इसमें जाएगा। अब आप इसे कर लें मिक्स। सो आप देखें रेड वाइट ग्रीन हर तरह के इसमें कलर्स हैं। इसको बहुत अच्छी तरह से टॉस करें। चलें अब आप अपना प्लेटर ले लें या बोल ले लें जिसमें भी आपने इसको सर्व करना है खाने के लिए या वैसे ही अलग से। मैंने थोड़े से इसके पत्ते लिए हैं लेटस के, आप कोई सा भी अपना यूज़ कर सकते हैं। अब ये मैं पूरा जो है इसके अंदर डाल रही हूँ। देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। दिल चाह रहा है कि ऐसे ही खा लें इसे। ऑब्वियसली ऐसे ही खाएंगे इसे, ये नहीं है कि छोड़ देंगे, सब ऐसे ही खाएंगे इसे। तो जो वो जो सब कहते हैं ना कि सैलड सैलड, तो आप देखें इस तरह का सैलड बनाएं तो किसका दिल नहीं करेगा कि वो खाएं। तो थोड़े से मेरे पास स्नैप्स हैं यहाँ पे, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं डालने की। यहाँ पे मेरे पास थोड़े से काजू हैं, वो मैंने इसके ऊपर से डाल दिए। और 4-5-6 बादाम है मेरे पास, 7-8 हैं एक्चुअली, ये डाल दें। साथ में रखें इसके लेमन स्लाइस अगर किसी को और डालना है। तो आप देखें कितना मज़ेदार सा आपका सैलेड तैयार हो गया। चलें जी अब आ गया है आपका फेवरेट टाइम। देखें ये वेट लॉस जर्नी के लिए आप लोग हमेशा पूछते रहते हैं, टिप्स बताएं, तो आप इसे खाएं और अपना वेट लूज करें। तो चलें जी बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। आप हर चीज़ लें जो भी इसमें है और उसे ट्राई करें। चलें जी चलें जी आप देखें कितनी सिंपल सी और हेल्दी सी और रिफ्रेशिंग सी डिश तैयार हो गई है सैलेड की। आप जाके फैमिली के साथ शेयर करें। चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।